सभी को मेरे स्नेह भरी नमस्कार। ठंड बढ़ चुकी है, उत्तरी भारत में पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है, धुंध का भी प्रकोप बढ़ेगा। पौष का महीना 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा जो कि 6 जनवरी तक रहेगा। कुदरत का ये फिनोमिना है, हर साल यही ठंड का दौर हमेशा आता है दिसंबर के महीने में, कोई अलग बात नहीं है। हर बार ही लगता है कि भी इस बार ठंड जरा ज्यादा है। गर्मी का दौर आता है तो लगता है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कुदरत अपनी चाल चलती रहती है और हम कुदरत के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते रहते हैं और अपनी व्यवस्था में कुदरत को अपने अनुरूप बनाने के लिए लगे रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। पौष का महीना इस बार 5 शुक्र पड़ रहा है। शुक्र के पड़ने से, 5 शुक्र पड़ने से कला के क्षेत्र में अच्छा विस्तार होगा, नारी शक्ति को अच्छे अधिकार मिलेंगे, विस्तार होगा नारी के अधिकार क्षेत्र का। जैसे कि हम देखते ही हैं एमएलए या निकाय चुनाव में सब जगह नारी के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं और नारियों की संख्या में वृद्धि हो ही रही है शनै शनै। तो दिसंबर का महीना विशेष है नारी शक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान उथल पुथल बनी हुई है, अन्य भी पड़ोसी देशों में भी कोई हालात भिन्न नहीं है। हालात तो अपने देश के भी कोई इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु प्रशासन जो है, सत्ता जो है, वो मजबूत हाथों में है। इसलिए परिस्थितियां विकट होते हुए भी उन्हें संभालने में सक्षम सरकार मौजूद है और इसका परिणाम रहा उपचुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को अच्छी सफलता मिली और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है और जय ठाकुर जी अच्छे बहुमत से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। संसद का शीत सत्र भी शुरू होने वाला है, दिसंबर महीने में शीत सत्र भी चलेगा जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे बिल पेश होते हुए दिख रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं चलती रहेगी, जन कल्याण की योजनाओं का विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ है, मजबूत है और आगे भी बेहतर विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सत्ता पक्ष की मजबूती और विपक्ष का पस्त होना, जिस वजह से देश आगे बढ़ेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस माह में पड़ने वाले विशेष पर्व और त्योहारों की। 3 तारीख को गीता महोत्सव, गीता जयंती मनाई जाएगी। जैसे कि कुरुक्षेत्र में 1 से 3 तक गीता महोत्सव मनाया जाएगा। 3 तारीख को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती मनाई जाएगी। 7 तारीख को अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, 25 तारीख को क्रिसमस और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पड़ेगी। 26 तारीख को पंजाब के फतेहगढ़ साहब में जोड़ मेले की शुरुआत होगी। 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पड़ेगी। 8 दिसंबर को पूर्णिमा और 23 दिसंबर को अमावस पड़ेगी। तो ये कुछ मुख्य पर्व और त्योहार हैं। इसके अलावा अब हम ग्रहों की स्थिति भी देख लें कि ग्रह किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में चल रहे हैं मासारंभ में और 16 तारीख को धनु में प्रवेश कर जाएंगी। 16 तारीख को सूर्य की धनु संक्रांति होगी। मासारंभ में चंद्रमा कुंभ राशि से ही अपना यात्रा आगे शुरू करेंगे। मंगल वृष राशि में वक्री चल ही रहे हैं। बुध वृश्चिक राशि में मासारंभ में शुरुआत करेंगे और 2 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की चाल थोड़ी काफी उतार चढ़ाव भरी है क्योंकि बुध बहुत तेज चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए कुछ कई बार इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं सूर्य से आगे निकल जाते हैं, तो फिर इन्हें पकड़ के पीछे लाना पड़ता है, फिर यही बकरी हो जाते हैं। तो
तो कहने का तात्पर्य है कि बुध सबसे ज्यादा वक्री होने वाले ग्रह हैं, सूर्य के नजदीक होने के चलते और चंद्रमा के बाद सबसे चंचल ग्रह होने के चलते ये काफी उत्पाती माने गए हैं। अब 2 तारीख को धनु में जाएंगे और 27 को मकर में चले जाएंगे और 29 को वक्री हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ही मकर में गए तुरंत वक्री हो गए 29 तारीख को और 30 तारीख को फिर वापस धनु में आ जाएंगे। तो बुध की चाल काफी इंटरेस्टिंग है इस बार। बृहस्पति पूरा महीना मीन राशि में ही रहेंगे, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और शनि मकर राशि में ही विचरण करेंगे मार्गी चाल से चलते हुए। शुक्र वृश्चिक राशि में मासारंभ में और 5 तारीख को धनु में प्रवेश कर जाएंगे और महीना खत्म होते होते 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मेष राशि में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब इससे आगे हम शुरुआत करते हैं अपने मासिक राशिफल की। कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि 12वें भाव में स्वग्रही शनि विमल योग बना रहे हैं और धन स्थान में बृहस्पति स्वग्रही मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति बहुत ही उत्तम स्थिति में हैं। धन स्थान के बृहस्पति बैंक बैलेंस की वृद्धि तो करेंगे ही, साथ में बृहस्पति की एक दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पे भी पड़ रही है और एक आपके 6वें भाव पे भी पड़ रही है कि जो रोग बीमारियों का घर है या कोई लड़ाई झगड़े केस मुकदमे का घर है तो वहां पे भी बृहस्पति आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति आपके रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, रुके हुए प्रमोशंस आपके कहीं काफी दिनों से जो पेंडिंग हैं वो भी अब सॉल्व होंगे। सूर्य बहुत उत्तम स्थिति में है, दशम भाव में काफी रौबदार आपको बनाए हुए है। सूर्य बुध शुक्र मासारंभ में फिर वहां से इनकी चाल आगे बढ़ेगी तो आपके आय स्थान में जाएंगे। तो 16 तारीख से जब सूर्य आय स्थान में जाएंगे तो समय और भी उत्तम हो जाएगा, आपकी दबी हुई कुछ इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है, आय की स्थिति भी बहुत उत्तम बनी हुई है और प्रकरम भाव का राहु आपको काफी प्रक्रमी बनाए हुए है, आपके कार्यक्षेत्र में आपको एनर्जी दे रहा है। और 4वें भाव का मंगल वक्री वो थोड़ा चिंता का विषय बन रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पे वो लोग जो ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधित रोगों से परेशान हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान देना होगा क्योंकि सर्दियों का महीना है तो ये महीना थोड़ा ऐसी व्याधियों के वो बढ़ावा देता है। और कुंभ एक वायु प्रधान राशि है और वायु जनित रोग आपको ज्यादा इफेक्ट करते हैं तो आपको अपने ब्लड प्रेशर और इन सब अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो उससे प्रति आपको सचेत रहना होगा, अपनी दवाएं समय पे लें ताकि ऐसी इवेंचुअलिटी से दो चार ना होना पड़े। मंगल देखिए भूमि लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा, मंगल आपको भूमि लाभ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मिला जुला के कुंभ राशि काफी बेहतर स्थिति में आ गई है। इसके खर्चे के घर में शनि स्वग्रही शनि है तो फालतू खर्चा नहीं कराएंगे शनि और विदेश से लाभ कराएंगे, बाहर से संपर्क बनाएंगे और वहां से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ के लिए यह महीना काफी अच्छा है। 17 और 18 तारीख को चंद्राष्टम की स्थिति बन रही है, चंद्राष्टम की स्थिति है तो आपको गणपति और शिव जी महाराज दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप शिवालय भी जाएं, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और बुधवार के दिन गौशाला में जाएं, गाय को हरा चारा या कुछ ना कुछ हरा खिलाएं और इससे आपके कितने विघ्न बाधाएं खत्म होंगी और आप लाभ की स्थिति में रहेंगे।